हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबके मन में शंका रहती है, क्योंकि हमारे समाज में इस टॉपिक को लेके दो मान्यताएं प्रचलित हैं जो कि हर किसी की शंका की वजह है कि कौन सी गलत और कौन सी सही। तो ये जो टॉपिक है वो है कि यदि आपके घर में कबूतर बैठते हैं या दाना पानी खाने आते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, या आपके लिए शुभ साबित होने वाला है या अशुभ साबित होने वाला है, कौन सा तर्क सही है और कौन सा गलत है। देखिए, हम दोनों ही तर्कों के बारे में इसमें बात करेंगे कि दोनों ही मान्यताएं क्यों बनाई गई है और क्यों लोग बाग इन मान्यताओं को मानते हैं। वहीं पे फिर आपका फैसला है कि आप कौन सी मान्यताओं को मानेंगे और क्या गलत क्या सही, ये वीडियो के एंड होते होते आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो बात करते हैं, कबूतर जो होते हैं वो शांति के प्रतीक होते हैं, यानी कि कबूतर बहुत ही शांत जीव है जो कि अगर बिल्ली को भी देख लेता है तो अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है, अपनी जान बचाने तक नहीं जानता और ये सोचता है कि यदि बिल्ली मुझे नहीं दिख रही है तो मैं भी बिल्ली को नहीं दिखूंगा और बिल्ली का शिकार बन जाता है। तो इतना शांति का प्रतीक, इतना शांत जीव कैसे किसी के लिए निगेटिविटी ला सकता है, कैसे निगेटिविटी फैला सकता है, तो ये एक भ्रम ही है। वहीं पे दूसरा है कि प्रेम का प्रतीक। देखिए, कबूतर जो होते हैं अपने बहुत ही प्रेम से रहते हैं, जोड़े के साथ रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, तो ये प्रेम का प्रतीक होते हैं जो कि किसी के लिए निगेटिविटी की वजह बन ही नहीं सकते हैं। जो तीसरी वजह है वो है कि भक्ति का प्रतीक। देखिए, कबूतरों को हमेशा माता लक्ष्मी के भक्त माने जाते हैं, तो जो माता लक्ष्मी का भक्त है वो किसी के लिए निगेटिव कैसे साबित हो सकता है। चौथा है कि पुण्य की प्राप्ति और मन का सुकून, यानी कि अगर आप किसी जीव को दाना पानी खिलाते हैं, किसी जीव को आप ठिकाना देते हैं, तो वो कैसे आपके लिए निगेटिविटी ला सकता है, वो तो हमेशा आपके लिए पुण्य ही प्राप्त कराएगा। यानी कि जब भी आप किसी जीव को कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, दान करते हैं, तो वो आपके पुण्य ही अर्जित होता है, वो कभी भी पाप में नहीं आता है। तो जिस काम से आपको पुण्य मिल रहा है तो वो कैसे आपके घर में निगेटिविटी ला सकता है, ये सोचने की बात है। वहीं पे दूसरा जो तर्क है, यानी कि जो लोग कहते हैं कि अशुभ है कबूतर का घर में बैठना, तो वो किस बेस पे कहते हैं। देखिए, उनके पास सिर्फ एक ही तर्क होता है और वो है कि ये शांत जगह में बैठते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जो कि घर का जो कोना होता है जिसका बहुत कम यूज होता है या यूज नहीं होता, वहाँ पे ही ये बैठते हैं, या जो फ्लैट्स खाली पड़े रहते हैं, जो घर खाली पड़े रहते हैं, ये वहाँ पे बैठते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए माना जाता है कि क्योंकि ये सुनसान जगह पर बैठते हैं तो ये हमेशा ऐसी ही जगह ढूंढते हैं, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का संकेत देते हैं कि शांत जगह है तो यहाँ पे बैठते हैं, तो यानी कि निगेटिविटी का वास होता है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मात्र आप लोगों का एक भ्रम है जो भी इनको मानते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, शांति के प्रतीक हैं क्योंकि ये शांत जीव है और ये जहाँ पे की हलचल रहती हो, मनुष्य ज़्यादा रहते हो, ये वहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा जो जगह सुनसान रहती है, जहाँ की इनको दिक्कत नहीं होती, वहाँ पर ये सिर्फ अपना घर बना लेते हैं। इससे ज़्यादा कोई भी निगेटिव से इनका लेना देना नहीं होता है। तो अगर आपके मन में भी ऐसी कोई शंका है कि कबूतर मेरे घर में बैठता है तो ये गलत है या सही है, तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा और बहुत अच्छे से मिल गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी हिट करें ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाले वीडियो में। बाय बाय।